गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। समाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं यं प्रभजन्तमनुतीतमपेतदृष्टं द्वैपायन विरहतासर आजुभाव श्रुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनयगुण स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तुष्टि नारायण नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवदि गौरभक्तवृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला परमेश्वर विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माधुभक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला और विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माधुभक्ति के दाम श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करना। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकाल हम लोग श्रवण कर रहे थे किसी ग्रंथ की महिमा को अगर हम समझना तो हमें उसी ग्रंथ को पढ़ने चार विषय पर हमें विवेचना करनी चाहिए। कितना विषय पर? पहला नंबर क्या था? अधिकारी। कहते भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है? इसलिए गतकल हम लोगों ने श्रवण किया था। कहते भागवत कथा सुनने का जो अधिकारी है, कहते एक पापी से भी पापी भी अधिकारी, जिसके लिए हम लोगों ने उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने श्रवण किया था। जैसे श्री धुंधुकारी, ये धुंधुकारी बहुत बड़ा पापी था, जिसके नाम पर गया में कहते एक बार नहीं, कहते गया में 100 बार पिंड देने पर भी दुखी मिलने वाले हैं। लेकिन ऐसे एक पापी को संसार से मुक्ति कैसे मिली, उनको भगवत चरण की भक्ति कैसे प्राप्त हुई, भले ये श्रीमद् भागवत कथा से। इसका तात्पर्य है, अगर ये श्रीमद् भागवत कथा कोई श्रवण करता है, अगर ये प्रेत को अगर भगवत प्राप्ति करा सकता है, पर जो जिंदे हुए हैं फिर उनको क्यों नहीं मिले? जो जिंदा जिंदा है फिर उनको क्यों भगवत प्राप्ति नहीं होगी? इसलिए पापी से भी पापी सुन सकता है, कहते ज्ञानी से भी ज्ञानी सुन सकते हैं। उसका उदाहरण में क्या सुना था? सुखदेव। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी, कहते सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे जो कि मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे, वो निकलना नहीं चाह रहे थे। निकले तो उन्होंने जंगल में चले गए, नहीं उन्होंने ब्रह्म ध्यान में डूबे हुए थे। लेकिन ये भागवत में इतना आनंद, भागवत में इतने रस है, केवल उन्होंने एक श्लोक सुन लिया। कौन सा श्लोक है? गदवरह पीडम नटवर बभुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रद पात कनक कपिशयम् वैजयन्ति च माला रन्ध्रान वेणुरधर सुधया पुरयावन गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविश्वस्तात गीत। केवल कृष्ण कितने सुंदर, केवल उन्हें एक श्लोक सुना तो पागल हो गए।
और उन्होंने सब त्याग दे करके उन्होंने आए और ये संपूर्ण भागवत कथा उन्होंने श्रवण किया। इसका तात्पर्य है जब ये भागवत कथा ज्ञानी से ज्ञानी भी सुन सकते हैं और ये पापी से पापी की कथा सुन सकते हैं, क्योंकि भगवान की कथा जितने सुनो, इसलिए नारद जी भगवान कृष्ण से दो वर मांगे थे। कितना वर मांगे थे? दो। क्या क्या? जो आपके धाम में बोलो भक्तों के साथ आएंगे आप प्रेम दान देंगे, हाँ? जो आपके धाम में भक्तों के अनुगत्य में आकर कथा श्रवण करेंगे उनका आप प्रेम दान देंगे। इसलिए पहला वर मांगे थे बस प्रभु, जैसे तुम्हारी कथा सुन करके जगत में किसको तृप्त करें। इसका मतलब जितने कथा सुने लगे और कब सुने और कब सुने और कब सुने हैं और कब कथा सुने, इसलिए कथा से किसको तृप्त नहीं होनी चाहिए है। और दूसरा वरदान है, अगर कोई वैष्णव के आनुगत्य में कोई धाम दर्शन करने जाए, जैसे वृंदावन धाम, नवद्वीप धाम, जैसे श्री जगन्नाथपुरी धाम, अगर वैष्णव के अनुगत्य में कोई जाए और वहीं पर बैठे, कहाँ? उनके लीला स्थली में बैठे और बैठ करके वैष्णव के मुँह से भगवान की कथा सुने और वहाँ का धूल को अपना शरीर पर लगाए और वो ब्रज रज में अगर कोई लव कोट होते हैं कभी वहाँ पर कृष्ण जो लीला की जैसे उसका हृदय में प्रकट हो और उसका जो हृदय में जो अनर्थ है वो अनर्थ दूरभूत हो जाए। क्योंकि उन्होंने ये दो रंग वर मांगे थे हैं, इसलिए एक वर है कृष्ण कथा सुनकर कैसे इसको तृप्त नहीं हो, क्योंकि ये अधिकार है। बोले दूसरा क्या विषय है? कहते भागवत में विषय क्या है? कहते भागवत में जो विषय है ये कोई साधारण दुनिया की वही बात है ही नहीं। भागवत मतलब विषय वस्तु क्या है? बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम रमणात् काचित् उपासना ब्रजवधो वर्गेण जाकल्पिता। इसलिए उसमें जो विषय वस्तु है कहते आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय, कहते उसमें हमारे आराध्य देव कौन है? हमारे आराध्य देव केवल ब्रज स्तन है, केवल कृष्णचंद्र ही हमारी आराध्य है और कोई हमारी आराध्य नहीं। इसलिए हम आगे जा करके सुनेंगे जहाँ पर कहते हैं इतने चांस कलापुन स कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम गृहयती जुगे जुगे। आगे हम ये कथा को जा करके सुनेंगे कैसे ऐसे सुत गोस्वामी कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म रूप में स्थापन करते हैं, उसका आगे जाकर सुनेंगे। इसलिए कहते हैं हमारे आराध्य देव और बल आराध्य ब्रजेश स्तनय, जो ब्रजेंद्रनंदन जो कृष्ण है वो हमारी आराध्य है। कहते क्या और भी कोई कृष्ण है? कहते और भी कोई कृष्ण है? बोले हाँ। बोले और कौन कृष्ण? बोले द्वारा का भी कृष्ण है, और एक है मथुरा का भी कृष्ण है, और एक है श्री वृंदावन का भी कृष्ण है। कृष्ण एक होने पर भी रस भेद में वो तीन कृष्ण है, उसमें तीन कृष्ण है, लेकिन आराध्य भगवान और रहते हैं कहाँ पर? धाम वृंदावन। हमारा जो उपास्य है जो वृंदावन कृष्ण ही हमारी उपास्य, मथुरे से कृष्ण हमारी उपास्य नहीं और द्वारके से द्वारकाधीश भी हमारी उपास्य नहीं, केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही हमारी उपास्य। भले उनका उपासना कैसे करनी चाहिए? ब्रज मधु वर्गीन जा यद्यपि कृष्ण को सब रस के भक्तों ने भक्ति किया है, शांत रस में, दास्य रस में, सत्य रस में, वात्सल्य रस में और मधुर रस में, यद्यपि सब रस का भक्त भक्तों को भक्ति की है, लेकिन हम लोग कैसे भक्ति करेंगे? भक्ति करेंगे ब्रज मधु वर्गीन जा कल्पिता। ब्रज के जो गोपियों ने जो मार्गों को अपनाया वो हमारी, जिसको भागवत में क्या कहते हैं? आशा मोह चरण रेणु जो साम हमसान वृंदावन की मत गुरु भलतो सुबिना। इसलिए उद्धव जी जहाँ पर जाकर के प्रार्थना करते हैं, कहते उद्धव जी कौन है? कहते प्रेमातुर भक्त है। कौन सा भक्त है?
ब्रह्मातुर भक्त, इसलिए भक्त वहाँ पांच तरह का भक्त बताएंगे। कौन सा कौन सा? ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी, ज्ञानी भक्त, उसके बाद शुद्ध भक्त, प्रेमी, प्रेमातुर, प्रेमातुर कौन है? पंच पांडव और प्रेमातुर उद्धव। बाबा शुभ बड़े पंडित इसलिए हमारे बड़ा पंडित इसलिए कहते जो वहाँ जो कहते जिसमें भागवत में ये पांच तरह का भक्तों का नाम भागवत में आया आता है ना, पांच तरह का भक्त है। लेकिन जो उद्धव जी को बताया ये भक्तों का अंतिम छोर है, मतलब उसको ऊपर में कोई भक्त है ही नहीं, उसको ऊपर कोई भक्त नहीं है, भक्त का अंतिम छोर है। लेकिन कहते गोपियों का नाम आया है, कहते इसमें तो गोपियों को पांच तरह का भक्त का नाम बताए लेकिन उसमें तो गोपियों का नाम नहीं आए। चलिए ये जो गोपियाँ ये भक्त है, ये गोपियाँ भक्त नहीं, फिर कौन है? कौन है गोपियाँ? कहते ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विताली स्थाभिर एक देवन नित्य रूप कला दयाली। कभी जो गोपियाँ हैं ना वो आनंद चिन्मय रस कहती है राधा रानी की, कहते एक एक भाव भी कहती है एक एक गोपियों का रुझान है, इसलिए गोपियाँ भी भक्त नहीं, राधा रानी की है काय सी ब्रज गोपियाँ हैं। इसलिए कहते गोपियों ने जो मार्ग को अपनाया उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनकी चरण की धूल को वंदना करते हैं, कहते इन लोगों ने जैसे आराधना की है कहते भागवत में यह चीज को भागवत में स्थापन किया है। यहाँ पर और किसी ग्रंथ में इतने श्रेष्ठ वस्तुओं को किसी ग्रंथ में स्थापन नहीं किया। कभी किसका मत है, कभी किसका सिद्धांत है? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु मत मिदम तत्रादरणा। कभी जो मत है श्री चैतन्य महाप्रभु का ही ये मत है, कभी इसी मत को ही आदर करो और उसको आदर नहीं करनी चाहिए। इसलिए भागवत का जो विषय वस्तु किया है, भागवत का विषय वस्तु है बहुत बड़ी बड़ी हाई फाई विषय वस्तु, जिसमें कोई साधारण विषय वस्तु जिसमें नहीं है। इसलिए बोले बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम अब अभिष्ण जासाम हरि कथक की कपना दी भुवन है। जहाँ पर उन्होंने राधा रानी की चरण की एक धूल को जिसमें वंदना की, इसलिए भागवत का जो विषय वस्तु है बहुत हाई फाई विषय वस्तु। कहते उसमें बताए एक हो गया तो अधिकारी, दूसरा हो गया विषय वस्तु, और जो तीसरा जो चीज है कहते हमारा प्रयोजन। भागवत में प्रयोजन विषय को क्या बताया? बोले जो प्रयोजन जो विषय है कहते कृष्ण प्रेम ही हमारी एक प्रयोजन, जिसमें कृष्ण हमारी प्रयोजन नहीं। कृष्ण तुम्हारी प्रयोजन क्या? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? हमें कृष्ण नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए कृष्ण प्रेम हमें चाहिए। बोले इसका मतलब क्या होता है? कभी इसका मतलब क्या होता है? बोले इसका मतलब है भैया कृष्ण परसों को भी तो मिले, कृष्ण चारों मुष्टि को तो कृष्ण मिले, चारों लगता है चारों मुष्टि को जैसे कृष्ण मिले दुनिया में तो ऐसे कृष्ण कृष्ण किसको मिलेंगे नहीं। जब युद्ध कर रहे थे ना छाती में छाती, बाहू में बाहू, जंघा में जंघा, पेट में पेट, दोनों दोनों को पकड़ रखी, और इतना नजदीक इसका संग होगा है, इतना नजदीक इसका संग होगा, होगा ही किसको, ऐसे इतने नजदीक उनका संग था। लेकिन उनको भावना क्या थी? बाहर थोड़ी सी नौका मिले एकदम पीस दू दोनों को, है तो एकदम पूरा पीस दू पछाड़ दू दोनों को, इनकी भावना थी। तो इतना नजदीक का संग होने पर भी लेकिन भावना क्या है उनको कब मारना है? जैसे रावण रावण को कहते इनको भी राम लक्ष्मण मिले, लेकिन उन्होंने क्या किया? सीता को उठा के दी, राम लक्ष्मण को नागपास बंधन में बांध दिया उन्होंने, है फिर लक्ष्मण को ऊपर में शक्तिशाली की और साक्षात राम और जिनको साथ में रावण युद्ध कर रहा है। बोले क्यों युद्ध कर रहा है? बोले राम को मार डालेंगे, राम को मार डालेंगे। इसलिए कहते हमारी कृष्ण प्रयोजन हमारी नहीं है, हमारी क्या प्रयोजन है? कृष्ण प्रेम प्रयोजन। इसलिए भागवत में
कपिल देवती संवाद में वहाँ पर भी बताए कि जब जिस समय भगवान जो कपिल देव हैं, जो कपिल देव घर में तो कपिल देव थे, लेकिन कर्दम ऋषि तब भी उनको छोड़ कर के उस संन्यास ले जाते हैं, वो भगवान के भजन करने के लिए चली गई। तब यहाँ पर विश्वनाथ चंद्र ठाकुर प्रश्न करते हैं, बोले भैया तुम भजन करने के लिए किसको जा रहे हो? बोले भगवान। बोले भगवान तो तेरे घर में बैठे, भगवान कपिल में रूप में भगवान आए ना घर में, घर में तो भगवान बेटे रूप में आए तुम्हारे घर में, फिर भगवान तुम्हारे घर में बेटे रूप में रहते हुए फिर भजन करने के लिए किसको जा रहे हो? घर छोड़ने का क्या जरूरत है? तो वहां पर कितना कारण बताया, वहां पर उन्होंने आज वहां पर उन्होंने तीन कारण बताए। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ने वहां पर तीन कारण बताए, घर में कृष्ण भगवान रहते हुए भी उनको भजन करने के लिए क्या जरूरत है, जंगल जाने क्या जरूरत है। पहला कारण बताए उनको पता है ये जो मेरे बेटा जन्म हुआ घर में, ये भी घर में रहने वाला नहीं, ये भी एक दिन भी घर पर चली जाएगा। अगर किसी घर में भगवान आए फिर वो भगवान फिर घर छोड़ करके चले जाए, इससे दुख का विषय कुछ हो सकता है? इसलिए बोले तुम घर छोड़ने से पहले नहीं घर छोड़ कर जाना, इसलिए घर में तुम रहो, ये पहला कारण। दूसरा कारण है कि तो भगवान के प्रति इनका जो स्वभाव की जो भावना है दास्य रस, भगवान मेरे प्रभु और मैं इनका सेवक दास। लेकिन अभी भगवान स्वयं इनके घर में बेटा बन कर गया है, जब बेटा बन कर के आए उन्होंने देखा जो भाव है ना, झगड़ा हो रहा है, ये भावना भी झगड़ा हो रहा है। एक तो भगवान ही है, भगवान फिर बेटे बन कर के आए और उनको बेटे रूप में देखना पड़ रहा है, क्यों बेटे बन कर के आए, लेकिन इनका जो स्थाई भाव है भगवान के प्रति दास्य भाव, इनकी स्थाई भाव देखा, रसों में बड़ी गड़बड़ी हो रहा है रस, इसलिए उन्होंने छोड़ करके चले गए। कितना कारण हो गया? दो कारण हो गया। मतलब तीसरा कारण क्या? मतलब तीसरा कारण बताए हमारा जो प्रयोजन है, हमें भगवान प्रयोजन हमारे नहीं है, हमारे प्रयोजन प्रेम ही प्रयोजन है, लेकिन वो प्रेम हृदय में कब प्रकट होगा? मतलब बगैर साधन के साध्य कभी हृदय में प्रकट हो ही नहीं सकता, जब तक हम साधन नहीं करेंगे। इसलिए घर में भगवान रहते हुए उन्होंने भजन करने के लिए उन्होंने चल पड़ी। इसलिए यहाँ पर कहते हमारा जो प्रयोजन है, कहते हमारी मिश्री प्रयोजन नहीं, मिश्री का जो मिठाई हमारी ये प्रयोजन है। इसलिए भागवत में जिस चीज को उन्होंने दिखाया, भागवत में किस चीज को उन्होंने दिखाया, प्रयोजन प्रेम प्रयोजन। इसलिए कृष्ण का ब्रजवासी कृष्ण का अत्यंत प्रिय होते हुए भी, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, ब्रजवासी को छोड़ करके वो मथुरा अपने द्वारका चले जाते हैं। द्वारका जाकर क्या कर रहे हैं, वहीं पर उन्होंने विप्रलंब भाव को कृष्ण बैठ बैठ कर राधा रानी वृंदावन में कृष्ण चिंतन कर रहे हैं, और कृष्ण द्वारका में रह करके इसको ब्रजवासियों को कृष्ण चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते 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 संपूर्ण उसी भाव से। इसलिए जब प्रेम सरोवर में जब राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठी हुई थी और कई से मधुमती आता है बैठने के लिए तैयारी में, राधा रानी भगा रही थी, वो भाग नहीं रहा था, इतने बोले मधुमंगल उसको भगा कर क्या गया, उनने एक लठिया ली और उसको भगा के भगा के बड़ी दूर में छोड़ करके आ गई। बोले कृष्ण मैंने मधुसूदन को बहुत दूर पर मैंने छोड़ करके आ गई, राधा रानी गोद में बैठी हुई, लेकिन उनकी भाव की चमत्कार का दिखा रहे, क्या जो माधनाख्य जो महाभाव ये चीज को दिखा रहे हैं, कभी ये पास में रहते जो चित्र जल में जिसको कहते हैं, पास में कृष्ण है, कृष्ण की गोद में बैठे हुए, लेकिन इनकी भाव चमत्कार का दिखा रहे। बोले इतना दूर मधुसूदन को छोड़ कर आ गए और मधुसूदन आ ही नहीं सकते, लेकिन गोद में बैठे हुए, और वहीं पर हा कृष्ण करते करते राधा रानी मुंह पर गर्वस हो जाता। इसलिए कृष्ण चिंता करते हैं, मैं जब दूर में रहता हूँ राधा रानी मैं को देख करके मेरे स्वरूप मान करके बात करती, कमाल वृक्षों को देख करके आलिंगन करती, मयूर पंखों को देख करके मेरे चिंतन में डूब जाती है, लेकिन मेरे गोद में बैठी हुई, लेकिन देखो इनकी भाव चमत्कार का। बोले
मेरे को यहाँ रहना नहीं पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा कहाँ, मथुरा द्वारका जाना पड़ेगा, इसलिए कृष्ण की आज्ञा चलेगी। इसलिए जिस भागवत में जो वहाँ पर दिखा, जो प्रयोजन क्या दिखा है, प्रेम ही प्रयोजन दिखाए, प्रेम ही प्रयोजन को दिखा करके दोनों दोनों के साथ अलग होकर विप्रलंब रस उन्होंने वहाँ पर उन्होंने आस्वादन किया। इसलिए कहते भागवत में कहते क्या प्रयोजन, प्रेम प्रयोजन ही यहाँ पर उन्होंने प्रेम प्रयोजन वहाँ पर दिखाया है। इसलिए कहते किसी ग्रंथ की अगर सर्वश्रेष्ठता को अगर कोई समझना चाहते हैं तो विषय अधिकार प्रयोजन और उसमें और एक चीज दिखा है कि साधन क्या चीज दिखा है। ऐसे वहाँ पर विश्वनाथ जी ठाकुर उनने चार चीज को उन्होंने दिखाया कि भागवत में जो विषय वस्तु, भागवत में जो प्रतिपाद्य विषय है बहुत हाई हाई विषय है, ठीक है। इसलिए आज हम लोग श्रवण करेंगे ये भागवत का, पहले से श्रवण करेंगे। देखो मुझे लगता है आप लोगों को जो भागवत का जो मंगलाचरण का जो तीन श्लोक है प्रभु ने आप लोगों को याद करवाया, जो जन्मादस्यजत धर्म प्रजीत कर्तव्यत्र और निगमकल्पत्र, मुझे लगता है ये तीन श्लोकों का आप लोग अच्छे तरह से जानते हो, जानते हो ना तीन श्लोक अच्छे तरह से। इसलिए ये श्लोक को बोलने में हमें कोई लगता है जरूरत नहीं, तुम तो श्लोक को जानते हो। इसलिए एक एक दिन एक एक श्लोक आप लोग से सुनूंगा, ठीक है। जन्मादस्य श्लोक को कौन बोलेगा, जन्मादस्य श्लोक को बोले तुम लोग, तुम लोग याद है ना। इसलिए कभी जो जन्मादस्य श्लोक है कभी ये इसमें कभी ना जिसमें बताए प्रारंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाश है। इसलिए यहाँ जिस मंगलाचरण बताए जो तीन श्लोक है, पहला जो श्लोक है वस्तु निर्देश है, दूसरा श्लोक है ये नमस्कार है, और जो तीसरा श्लोक है ये आशीर्वाद है। पहला श्लोक को समझिए संबंध है, दूसरा श्लोक समझिए अभिप्राय, और जो तीसरा जो श्लोक है ये प्रयोजन तत्व, जिसमें प्रयोजन तत्व को वर्णना किया है। इसलिए जो पहला जो श्लोक जो जन्मादस्य चतः ये जो श्लोक है कहते इसमें ध्यान व वस्तु निर्देश व भागवत ग्रंथ में हमारी आराध्य देव कौन है, इसी श्लोक में आराध्य देव को इसमें निरूपण करते हैं। लेकिन ये जो श्लोक है इसी श्लोक में केवल इसमें केवल उसमें गुण गुण बताया गया, विशेषण विशेषण बताया, इसमें किसके नाम नहीं बताए, केवल विशेषण विशेषण केवल उसमें केवल गुण ही गुण बताया, इसमें किसका नाम नहीं बताया। इसलिए कि भागवत एक श्लोक के ऊपर में तत 108 टीका है। अभी जो कृष्ण को भजन करते हैं कहते इसमें कृष्ण ही से भागवत का आराध्य देव है, अभी जो शंकर जी को उपासना करते हैं भोले बाबा सत्यम परम धीमहि, जो माँ देवी को पूजा करते हैं देवी सत्यम परम धीमहि वही परम सत्य है, जो हनुमान को गणेश जी को पूजा करते हैं वह अपना अपना इष्ट इष्ट देव में उन लोगों ने लगाया। लेकिन यहाँ पर विचार विषय है कहते वास्तव रूप में कि जो मंगलाचरण जो पहला जो श्लोक है कहते वास्तव रूप में फिर उन्होंने किसको उन्होंने वंदना किया, किसको उन्होंने प्रणाम किया। इसलिए श्री बल्लभाचार्य है हमारे वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य पुष्टि संप्रदाय के वो कहते हैं इसमें केवल कृष्ण को ही उन्होंने सत्य परम धीमहि बोल करके, हम परम सत्य को ध्यान करते हैं केवल उन्होंने कृष्ण को ही लगते हैं। तो अगर यहाँ प्रश्न होता है आपने कैसे कृष्ण को लगा दिया श्लोक, दूसरे दूसरे देवादेव को क्या बताया है, आप कृष्ण को कैसे बता दिया, तो उनको प्रमाण प्रमाण देते हैं बोले कृष्ण जब देवकी गर्भ में जब कृष्ण आए एक साथ में वहाँ 33 करोड़ देवता वहाँ पर प्रकट हो गए, अब प्रकट होकर के कृष्ण देवकी की गर्भ स्तुति कर रहे हैं। यदि गर्भ स्तुति का जो श्लोक है ये क्या है, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य से जो निहितम च सत्य स
सत्य स सत्य मृत सत्य नेत्री सत्यात्मक शरण प्रपत्ति। जो सत्य परम धीमहि, हम वो परम सत्य को ध्यान सत्य सब करते हैं, जिसमें ये सब देवता स्वयं कहते सत्य व्रतम, जिसका व्रत ही सत्य है, जिनका धाम ही सत्य है, जिनका भक्त ही सत्य है, जिनकी प्रतिज्ञा सत्य है। इसलिए वहां पर उन्होंने सत्य 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 बोलकर सब देवता किसको बोल रहे हैं, ये कृष्ण को ही बोल रहे हैं, ये देवता लोग स्वयं बता रहे हैं। अगर कोई परम सत्य तो कौन है, बोले कृष्ण ही परम सत्य है। ये जो सत्यम परम धीमहि, फिर कहते वो कौन है, बोले जन्मा दस्य जता, जिनसे कि जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय और अन्य और व्यतिग्रह रूप में जिनसे सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, और जो आदि कवि जो ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञानों में परम गुहम जत विज्ञान समन्वितम सह रहस्य तदगंच ग्रहणम गठितम हो गया, जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने तत्व ज्ञान को विज्ञान को साथ में ज्ञान को उन्होंने उनके हृदय में स्फुरण कराया, और भगवान उनके हृदय में स्फुरण कराया, और जिनकी माया कैसे है, बड़े 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 देवता लोग भी जिनकी माया में मोहित हो जाते। इसको आप लोगों ने बहुत दिन तक प्रभु जी ने व्याख्या किए होंगे, हैं आप लोगों ने इसको अच्छे तरह से सुने होंगे, जिनकी माया में ब्रह्मा भी मोहित हो गए, जिनकी माया में इंद्र भी मोहित हो गए, और जिनकी माया में बड़े बड़े देवता लोग भी है। जिस समय कृष्ण हमारे को अरे रूप में सत्यभामा, इसलिए सत्यभामा है, एक समय कृष्ण बैठे हुए थे अपन रानियों के पास में बैठे हुए थे अष्टराज के साथ, इतने में नारद जी एक पारिजात पुष्प लेकर के लाए, ला करके उन्होंने कृष्ण को हाथ में दे दिया, बोले प्रभु ये आठ रानियों में सबसे जो आपको प्यारी आप उसको दो। कृष्ण तो सोच में पड़े, इसलिए नारद जी को लड़ाई लगाने का आदेश दिया। अभी कृष्ण तो सोच में लगे, बोले मेरे पास में समय नहीं, जल्द जल्द दो, और उन्होंने पास में बैठी थी रुक्मणी, पास में रुक्मणी को हाथ दे दिया, लेकिन बाप माँ सत्यभामा भी बैठी हुई थी, सत्यभामा कौन है, राधा रानी के अंश से श्री बामा है, ये दक्षिणा भाव स्वरूप है, देते ही सत्यभामा को इतना क्रोध आया, पैर पटकती हुई एकदम मान भवन चली गई। इतने में कृष्ण जब मनाने के लिए गए, उनको मैं हाथ रखते ही हाथ को फेंक दिया, बोले आप बाहर में से काले अंदर में दे से काले हैं, आप कहते थे सत्यभामा मैं तेरे को जितने प्रेम करता हूँ उतना प्रेम और किसी को नहीं करता, हाँ तो प्रमाण हो गया, अब सबसे ज्यादा किसको प्रेम करता है, सबको भरी सामने में अपने फूल दे दिया, रुक्मणी को मेरा नाक कान कटवा दिया, तुम प्रमाण हो गए, बोले तू एक फूल के लिए इतना चिंता करते थे, तेरे को तो हम पेड़ उखाड़ कर ला दे, बोले ज्यादा बोलो मत, जो एक फूल नहीं दे सकते पेड़ ला दे, बोले चलो, बोले चलो लेकर कहाँ गए, स्वर्ग लोग में गए, इंद्र को उन्होंने एक पारिजात वृक्ष की उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने इंद्र ने दिया नहीं, बोले नहीं ये पारिजात वृक्ष तो केवल स्वर्ग लोग के लिए, स्वर्ग तो इसलिए शोभा है, अगर ये मरते जगत में चला जाएगा तो इसका शोभा ही खत्म हो जाएगी, बोले नहीं दिया, बोले मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा, बोले क्या दिखाओगे, उसी समय सारे 33 करोड़ जितने देवता सब के सब कृष्ण को साथ में युद्ध करने के लिए टूट पड़े, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, ये सबको मार मार कर वहां सबको उन्होंने परास्त कर दिया। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि जितने बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी माया से मुक्त हो जाते हैं, जो सारे देवता भी जिनकी माया में मुक्त हो जाते हैं, फिर ऐसे जो कौन भगवान जो कृष्ण है, हम सबके सब उनके चरण में प्रणाम करते हैं। इसको तो साधारण अर्थ रूप में बताया, लेकिन हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो उन्होंने टीका में बताया, हम लोग सुने होंगे, सुना कि नहीं, इसलिए यहाँ तो उन्होंने कृष्ण पर अर्थ बताया, लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर किसी श्लोक में कहते क्या, केवल कृष्ण को ही प्रणाम कर रहे हैं और कौन है, बोले केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, उनको साथ साथ में श्रीमती राधा रानी को भी प्रणाम कर रहे हैं। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां पर ये श्लोक को उन्होंने श्री राधा रानी में उन्होंने लगाया, जो सत्यम परम धीमहि, ये जो परम शब्द है, कहते परम च परम से परा,
इसलिए देवी कृष्णमयी प्रवक्ता राधिका परा देवता, वहां पर उन्होंने बहुत सुंदर रूप में ये श्लोक उन्होंने श्री राधा रानी में कभी एक एक शब्द को उन्होंने राधा पर उन्होंने व्याख्या किया विश्वनाथ छोटा। इसलिए यहाँ पर जो परम शब्द है, एक परम शब्द कृष्ण के लिए हुआ सत्यम परम धीमय है, परम गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, जहाँ पर अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजो को साम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, बहु जगह में है मत्ता पर परम नान्यत किचिस अस्त धनंजय, वहां पर तो बहुत सारी जगह में कृष्ण को श्रेष्ठ श्रेष्ठ परम परम शब्द बोलकर बोला। यहाँ पर विश्वनाथ चतुर्थाम के जो पर शब्द है वो पराशक्ति कृष्ण की श्री राधा रानी के लिए ये श्लोक है, जो परम शब्द है देवी कृष्णमयी प्रवक्ता राधिका परा देवता। यहाँ पर कृष्ण की जो पराशक्ति श्री राधा रानी को हम सबके सब प्रणाम करते हैं। कहते राधा रानी कौन है, बोले जन्मा दशरथ है जिनसे आदि रस की प्रकट होता है। एक शब्द तो हो गया है सृष्टि स्थिति प्रलय अन्य और व्यतिरेक रूप में जिससे होता है, दूसरा अर्थ होता है कि जो जो आदि रस की है जो श्रृंगार रस की जो अधिष्ठात्री देवता कौन है, देवी श्रीमती राधा रानी। कहते ये रस कब प्रकट होता है, बोले अन्याद वितरतस्त अन्याद मतलब होता है कृष्ण जब अनुकूल नायिका हो राधा रानी स्वाधीन भद्रिका, स्वाधीन भद्रिका मतलब होता है जब कृष्ण संपूर्ण राधा जी की प्रेम में वशीभूत हो। कहते यद्यपि कृष्ण देखने में बड़े सुंदर है, कृष्ण सुंदर है देखने में, लेकिन उनकी सर्वश्रेष्ठ सुंदरता कब प्रकट होता है, बोले जब श्री राधा रानी मानी में होकर बैठ जाती है और श्याम सुंदर उनको मनाने के लिए जो सेवा कुंज में जो खटो है ना, सेवा कुंज में जो खटो है ये संपूर्ण रूप में राधा रानी के प्रेम में राम कर संपूर्ण रूप में कृष्ण जहाँ पर अधीनता को स्वीकार की ये सेवा कुंज विग्रह है। कृष्ण की तभी पूर्ण यद्यपि सुंदर है इसी जब इसी अवस्था में कृष्ण संपूर्ण रूप में सुंदरता का प्रकट होता है, वहां पर उन्होंने एक एक शब्द को कैसे की एक एक शब्द श्री राधा रानी में लगता है। आप लोग व्रत तो पढ़ लेना जो सनातन टीका पढ़ लेना, पढ़ करके वहां पर बड़े सुंदर रूप में राधा पर उन्होंने लगाए है, इसलिए राधा रानी ने उन्होंने लगाए। लेकिन हमारे प्रभुपाद कहते हैं ये जो श्लोक है ना एक तो राधा कृष्ण के लिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जो कृष्ण की जो उपासना है हमें कृष्ण को अकेला उपासना नहीं करनी चाहिए, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अकेला माधव गुज सो अज्ञानी और राधा अनाद करे अभिमानी, कबई ना करवी ताकर संग जीते इच्छा से जति ब्रज रस रस। अगर कोई ब्रज रस को पाना चाहते हैं जो केवल अकेले कृष्ण को पूजा करते हैं उनका संग नहीं करनी चाहिए, मना करते हैं है? इसलिए अकेला माधव पूज सो अज्ञानी, इसलिए राधा पद छाड़ी जे जन सजन जे भाव से भाव था कि हमारे श्री बाबा गोसाई महाराज के प्यार को प्राय प्राय करके बोलते थे, पहले राधा पद छाड़ी जे जन सजन जे भाव से भाव था कि आमित तो राधिका पक्ष पाती सदा कभू नहीं गरी था। अगर कोई राधा रानी की चरण को छोड़ कर भी भले जिस भाव में रहना हमको रहने दो, लेकिन हम कौन है, हम तो राधिका पक्ष पाती सदा, लेकिन हम किसकी पक्ष लेने वाले, भले से राधा रानी की हम लोग पक्ष लेने वाले, कभू नहीं गरी ताकि जो केवल कृष्ण को उपासना करते हैं कभी हम उनको देखना नहीं चाहते है? इसलिए यहाँ पर कहते हैं हमें केवल कृष्ण उपासना नहीं करनी चाहिए, हमें किसको उपासना करनी चाहिए, राधा कृष्ण प्राण और जुगल ईश्वर जीवन मरण गति है, ये हमारी आराधना। तो इसी तरह प्रभुपाद इसी श्लोक को प्रभुपाद कहते हैं कि जो जन्मादश्य श्लोक है ये श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए भी ये जन्मादश्य श्लोक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को ने राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात देखात्मना भूपुरा देखा भेदो गतो को
चैतन्यार्थ प्रकट मधुना तत्त्वयं चैतमाप्तम राधा भाव रूपी सुगलितम नवमी कृष्ण तक। ये कृष्ण का महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही स्वयं कलयुग में राधा रानी की भाव और अंग कांति लेकर कलयुग में महाप्रभु रूप में आए। इसलिए यहाँ पर कहते जो सत्यम परम दिवई, कहते वो जो परम सत्य है हम सबके सब ध्यान करते हैं। ये परम सत्य कौन है? श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरि। कहते जन्मादस्य जतः जिनसे आदि रस प्रकट होता है। आदि रस किससे प्रकट होता है? बोले श्री हरि नाम संकीर्तन से है। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नामना। ये जो नाम है ये पूर्ण रस नाम है, इसलिए ये अभिद है। लेकिन ये नाम का प्रवर्तक कौन है? कलयुग के नाम, कलयुग के धर्म है नाम संकीर्तन। एतद अर्थ अवतीर्ण से सची नंदन। कलयुग का जो युग धर्म है ये हरिनाम संकीर्तन है। महाप्रभु कलयुग में किसे लिए आए? ये हरिनाम संकीर्तन को देने के लिए आए। हरि हरिनाम से ही सारे रस ये हरिनाम से प्रकट होता है। इसलिए जन्मादस्य जतः जिससे इस श्रृंगार रस की प्रकट है किससे? बलि हरिनाम संकीर्तन से ही। बल श्री सचिनंदन गौर हरि की, बल श्री हरिनाम संकीर्तन की। इसलिए ये श्लोक को उन्होंने पूरा के पूरा मैंने बड़े सुंदर रूप में विप्रलंब रस में संभोग रस में कौन है, विप्रलंब रस में कौन है, बड़े सुंदर रूप में इसको व्याख्या करते हैं। बल आदि कतेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवे मुलघंत जत सुर। यहाँ पर तो आदि कवि ब्रह्मा जी को बताते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते असली आदि कवि कौन? बल ब्रह्मा नहीं है असली, असली जो आदि कवि है तो कौन है? श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु श्री प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी के हृदय में, जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में सारे तत्व ज्ञान को स्फुरण कराते हैं, यहाँ पर महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी के हृदय में सारे तत्व को स्फुरण कराया। श्री सनातन गोस्वामी के हृदय में सारे तत्व स्फुरण कराया। श्री राय रामानंद के हृदय में ये राय रामानंद जो संवाद जो सनातन शिक्षा रूप गोस्वामी को जो शिक्षा है। और आदि कवि कौन? कहते श्री वृंदावन दास ठाकुर। कहते आदि कवि कौन? बोले श्री कृष्णदास कल्याण गोस्वामी, जिनके हृदय में उन्होंने श्री ये चैतन्य चैतन्य ग्रंथों को दीप्त ग्रंथों को जिनके हृदय में उन्होंने स्फुरण कराया कौन है? कहते श्री सचिनानंद गौर हरि। इसलिए ये श्लोक श्री महाप्रभु को मैं लगाया। इसलिए जो पहला जो श्लोक है कहते ये ध्यान है भाई, ये कौन है? कहते ये वस्तु निर्देश है जिसको सर्वप्रथम जिसको प्रणाम करते हैं। कहते भागवत का जो आराध्य देव कौन है? कहते श्री जुगल किशोर है, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चंद्र है। ये पहला। तो दूसरा जो श्लोक है कहते ये प्रतिज्ञा है भाई, ये अभ्युदय है, भगवत प्राप्ति का उपाय है, भगवत प्राप्ति का उपाय। और ये प्रतिज्ञा और उसको अभिधेय बताया, इसे जिसमें बताए धर्म प्रजीत कैतव। कहते ये एक श्लोक में जो अत्र है ये तीन तीन बार एक श्लोक में अत्र पढ़ाया। अत्र मतलब होता है ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कैसे छिड़ा जब, इसलिए कहते ये भागवत ग्रंथ में कहते तीन बार इसमें अत्र उन्होंने तीन बार इसमें ये अत्र शब्द आया है। कहते जो पहला अत्र है धर्म प्रजीत कैतव अत्र, ये जो पहला जो शब्द है ये धर्म है, ये शब्द धर्म शब्द आया। ये धर्म शब्द पहला की कारण कारण है श्री व्यासदेव कहते हैं यद्यपि बहु पुराण उन्होंने रचना की है, बहुत पुराण रचना की है, लेकिन ये सब पुराण को रचना करते हुए भी उनको मन में संतोष नहीं मिला। लेकिन संतोष कब मिली? जब उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथों को रचना की तभी इनके मन को पूर्ण आनंद व पूर्ण शांति मिली। इसलिए पहला शब्द जो धर्म प्रयोग करते हैं, कहते अगर वास्तव रूप में कहीं शुद्ध धर्म कहीं बताया गया तो किसमें बताया गया?
बल्कि ये भागवत नहीं, ये शुद्ध भगवत प्रेम विषय में ये भागवत में बताया है। अगर धर्म प्रोजीत कैतव अत्र, बोले जिसमें जो कपटता धर्म को संपूर्ण रूप में जिसे निकाल दिया है, संपूर्ण रूप में कर ये किया, बोले धर्म अर्थ काम यहाँ तक भी मोक्ष को भी यहाँ पर संपूर्ण रूप में निकाल दिया। बोले मोक्ष को मैंने बोले तार मध्य सर्वश्रेष्ठ तार मध्य मोक्ष सबसे बड़ा धर्म अर्थ काम यहाँ तक तो जगत का लोग जाते हैं, मोक्ष तो कोई कोई व्यक्ति मोक्ष तक जाते हैं, लेकिन भागवत से ये मुक्ति को भी संपूर्ण रूप में निकाल दिया चाहते हैं। बोले सबसे बड़ा कपटता है, बोले सबसे बड़ा कपटता क्यों, कारण क्या, बोले कारण है है? इसको सबसे बड़े कपड़ता क्यों बताया, इसका कारण बताया। बोले कपड़ता किसको कहते हैं, कपड़ता किसको कहते हैं, बोले एक बाहर और एक भीतर है, इसको कपड़ता कहते हैं ना। लेकिन जीवेर स्वरूप है कृष्ण निकटता, जीव का जो स्वरूप है वो सबसे सब कृष्ण का निकटता। लेकिन जो लोग मुक्ति मोक्ष चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, बोले भैया जब तक संसार में रहेंगे तब तक दुख कष्ट है, इसलिए क्या कर नरेगा बांस नरेगी, इसलिए क्या करो बस ये ब्रह्म ज्योति में अपने आप को लीन कर दो, बस लीन हो जाएंगे तो जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, दुख कष्ट नहीं होगा, बस जन्म मृत्यु चक्र से चिरकाल तक मुक्ति होने के लिए। लेकिन इसको कहते कपड़ता परिचय बताए, बोले जीव का जो स्वरूप भगवत दासत्व है वो भगवान की सेवा करना नहीं चाहता है, भगवत सेवा नहीं करना चाहते, अपना स्वार्थ चाहता है, भगवान की सेवा नहीं चाहते, इसलिए इसको सबसे बड़ा कपड़ता बताया। लेकिन भक्त लोग क्या चाहते हैं, पशु पक्षी वय था कि स्वर्गवादी रहे तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय, भक्त चाहते प्रभु जीवन में जितने कष्ट क्यों नहीं मिले प्रभु कोई बात नहीं, जैसे आपका भक्ति नहीं छूट जाए तुम्हारी चरण की सेवा हमें नहीं छूट जाए, इसलिए जितने कष्ट फासली सेवा पादर काम इसलिए राधारण क्या क्या भाव, हे कृष्ण चंद्र तुम जितने जीवन में कष्ट करना कष्ट दो, लेकिन आप तो हमारी प्राण प्रियतम, आप तो हमारी प्राण प्रियतम, इसलिए जीवन में जो कष्ट नहीं क्यों नहीं मिले, लेकिन भगवान की सेवा भक्त नहीं छानना चाहते हैं, तुम्हार सेवाए दुख है जत सेवक परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नासय अविद्या दुख, इसलिए भक्तों को सेवा चाहिए है, लेकिन इसमें सेवा की वासना नहीं, वो अपना स्वार्थ, इसलिए क्या करो बस ब्रह्म ज्योति में अपने आप, इसलिए कहते जिसमें ये चीज को संपूर्ण रूप में जिसमें निकाल दी गई है, और जहाँ पर निर्मत सरानाम सताम के धर्म के लिए निर्मत सर व्यक्ति के लिए ये भक्ति है, हैं? इसलिए जिसमें बताया ना काम क्रोध लोभ मोह मद वात्सल्य, कहती है पांच चीज को तो भगवत सेवा में लगा दिया है, इसलिए काम कृष्ण कर्मार्पण काम को कृष्ण सेवा के लिए, लोभ साधु संग हरि कथा, मोह इष्ट गुण गाने, कभी हर चीज को तो एक ही चीज में लगा ली, लेकिन एक चीज को नहीं लगा, किस चीज को मात्सर्य चीज को नहीं लगा, क्योंकि मात्सर्य है ना दूसरों को भलाई देख करके हृदय में जो जलन है, इसलिए जगत में लोग ज्यादा दुखी क्यों ना, तो वो अपना दूध में दुखी नहीं, दूसरे का सुख से ज्यादा दुखी है, वो सामने कि सामने व्यक्ति सुख में क्यों रह रहा है, ये सुख में क्यों इसलिए दुखी है, अपना दुख में देखना ज्यादा लोग दुखी नहीं है, सामने व्यक्ति इतना सुख में क्यों इसलिए दुखी है, इसलिए कहते जो मात्सर्य है हर चीज को लगा लेकिन मात्सर्य की चीज को उन्होंने नहीं लगाया, इसलिए कहते ये निर्मल साधु लोगों के लिए ये धर्म है, इसलिए इसमें तीन अत्र प्रयोग किया, पहला अत्र क्या हो गया धर्म प्रोजित कैतव अत्र, ये पहला अत्र है हैं? जिसमें भागवत में ये मुक्ति तक भी निकाल दी गई, दूसरा अत्र क्या, बोले वैद्य वास्तव अत्रम
कहते श्रीमद भागवत में जो वास्तव वस्तु भगवान की जो भक्ति नाम रूप गुण और जो लीला है, भगवान की जो प्रेम है, जिस ग्रंथ में केवल भगवान के प्रेम को ही जिस भागवत ग्रंथ में स्थापन की है। बोले जो तीसरा अत्र है, बोले सद्य हृदय अवरुद्धते अत्र, कहते भागवत धर्म की महिमा बता रहे हैं। बोले केवल सुनने की इच्छा मात्र से ही, अभी सुनाए भी घर में बैठे हैं, अभी कथा में भी नहीं आए, लेकिन पता चले कहीं भागवत कथा हो रही है, अगर केवल सुनने की करके उसकी हृदय इच्छा मात्र हो गई, हम कथा सुनना जाना चाहते हैं, तो इतना मात्र से ही क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति खुद को खुद किसी घर में जाए और अपने आप को अंदर से खुद बंद कर दे, फिर उसी तरह भगवान क्या करते हैं, सुनने का इच्छा मात्र रखने वाले व्यक्ति की हृदय में प्रवेश कर जाते करके खुद को खुद उसका हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते, केवल सुनने की इच्छा मात्र से। लेकिन कहते सचमुच से अगर कोई भगवत कथा में भागवत कथा में बैठ जाए, बोले भैया उसकी महिमा का हम बता नहीं सकते। कहते खरी कथा को कहते सुश्रुषु भी, बोले कथा कौन सुन सकते, बोले सभी नहीं सुन सकते, बोले सुश्रुषु जिसको बहुत जन्म जन्मांतर का जिसकी कोई पुण्य उदय हुआ, वो भक्ति उदय हुआ, वो सुन सकता है। अगर कोई बोले हमने तो कुछ किया है, भक्ति तो क्या सुन नहीं सकते हैं, बोले आओ तो बोले बैठ और कथा सुनो, सुनते सुनते ही अपने आप सबके साथ सुश्रुषु भी बन जाओगे, सबके सब पुण्यात्मा बन जाओगे। केवल बैठ करके आकर कथा बैठो, तब कथा सुनते रहो। इसलिए जिसमें तीन बार इसमें प्रतिज्ञा में भागवत क्या प्रतिज्ञा लेता है, ये प्रतिज्ञा भागवत ले रहा है केवल भागवत कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही जिसको भगवत प्राप्ति हो जाए। अनुमोदित सत्य सद्धर्मम जानति विश्वद्रोह की, वो व्यक्ति विश्वद्रोह क्यों नहीं किया हो, देव द्रोह क्यों नहीं किया हो, केवल अनुमोदन मात्र से जो व्यक्ति समस्त पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ये लोग बताया प्रतिज्ञा का ये अभिनय, और जो तीसरा श्लोक कभी ये प्रयोजन ये आशीर्वाद है। कहते भागवत हमें आशीर्वाद क्या देता है, कहते निगम कल्प करुर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम बीवद भागवतम रसमालयम मुहुरम रसिका भूलु भावना, जिसमें ये भागवत आशीर्वाद देता है। कहते निगम है, कहते ये जो भागवत जो ग्रंथ है, बोले निगम मतलब क्या है, बोले जितने सारे शाश्वत सत्य का जो परम तत्व जहाँ पर निगम मतलब प्रकट होता है, हैं निगम मतलब क्या हुआ, बोले जितने सारे शास्त्र का शाश्वत सत्य का जो चरम तत्व जहाँ पर प्रकट होता है इसको कहते हैं निगम। निगम मतलब होता है वेद को भी निगम कहते हैं। कहते ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का वृक्ष बताया, वृक्ष होगा तो उसका जरूर फल होगा ही है। कहते निगम कल्प तरूर गलितम फलम, कहते ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये जो भागवत ग्रंथ है, ये क्या क्या भागवत ग्रंथ, कहते ये पका हुआ इसमें फल है, ये पका हुआ फल है। कहते फल दो तरह का है, एक तो फल होता है जो पेड़ में स्वयं पक जाए, और एक फल होता है पकने से पहले ला करके कार्बाइड दे करके बाद किसी गर्मी से पका लो, फल दो तरह का होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मीठा किसमें होगा, जो पेड़ में जो पका हुआ फल उसमें ज्यादा मीठा उसमें। इसलिए कहते निगम गलितम, गलितम मतलब क्या है, वो स्वयं पेड़ में जो पका हुआ फल है वो गलितम फल हो, पका हुआ फल फिर सुख मुखात अमृत दर्वसन, कहते एक वो तो पेड़ में पका हुआ, दूसरा कहते सुख मुखात अमृत, फिर ये सुख पकने जिस फल को जिस सुख पकने जिसमें चोंच मारते ही क्या हुआ, झट वो पेड़ से वो गिरा है। इसलिए कहावत है, दो कहावत है, जो सुख पकी की एक विशेषत्व है वो किसी कच्चा फल में मुंह कभी नहीं मारेगा, वो पक्का फल में ही मुंह मारता है, उसको बताए कौन सा कच्चा कौन सा पक्का। इसका मतलब ये जो भागवत है ये कच्चा फल नहीं, ये पक्का हुआ ये फल है,
पका हुआ फल है। इसलिए दूसरा कहावत है, जिस फल में ये सूत तोता ने चोंच मार देना उसमें ज्यादा मिठास आ जाता है। तैसे तो फल तो पका हुआ खाई, जब सुखदेव गोस्वामी ने चोंच मारी उसमें ज्यादा मिठास आ रहा है। बोले यहाँ पर ज्यादा मिठास किसी में आया, बोले जो सुखदेव गोस्वामी को बोले प्रिया सुखश्री वृषभा चुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनक नरहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवास। इसलिए श्री कवि कर्णपुर कहते हैं ये क्यों, ये भागवत में जब श्री सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकले, हम आगे जाकर सुनेंगे, वहां पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, 100 साल 200 साल 150 साल 5 साल 1,000 साल जटा जाति जुटधारी बड़े बड़े सब बैठे हुए थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी नंगे धनगे कोई पत्ते हैं वहां पहुंच गए, हैं वहां पहुंच गए आज सबसे छोटे उम्र के, कही आता है 12 साल की, कही आता है 16 साल, लेकिन जब वहां पर गए और इतने छोटे बच्चे कथा सुने तो किससे कथा सुने, सबसे छोटे बच्चे से ही उन्होंने कथा सुना, सबसे छोटे बच्चे से उन्होंने कथा सुना। बोले सबसे छोटे बच्चे से क्यों कथा सुने, मेरे कहने कहती है प्रिया सुखश्री वृषभा जाया, कहती है राधा रानी की ये प्रिय सुख है, बोले पवित्र चंचो प्रिय चुंबने न, कभी कभी श्री राधा रानी ये सुख को कृष्ण रूप मान करके कभी कभी उन्होंने उनको क्या करती थी, कभी कभी उनको है उन्हों कभी कभी उन्होंने चुंबन की, चुंबन करने पर क्या होता है, कहते राधा जी की रानी जो अधरा मृदय है ये सुखदेव गोस्वामी होंठ में चोंच में चुंबन की तो उनकी अधरा मृदय श्री सुखदेव गोस्वामी के मुंह में लगा है। लगने का वजह से कहते एकांत नंद रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी, जो राधा रानी के निकुंज महल में रह करके समस्त लीलाओं को उन्होंने दर्शन किया। इसलिए आगे जाकर के दसम स्कंद में आप लोग सुने होंगे, जब रासलीला हुई, जब कृष्ण बंसुरी बजाई, जब कृष्ण बंसुरी बजाने पर जब गोपियाँ आ रही थी ना सबके सब, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं गोपियाँ जा नहीं रही, बोले तो गोपियाँ आ रहे हैं, ये गोपियाँ आ रहे हैं, बोले भैया तो ये अगर बोले ना जा रही है गोपियाँ तो कहते आ रही क्यों, बोले कारण है वो ऑलरेडी वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के सख्य रूप में वहाँ पर थी, इसलिए कहते सबके सब गोपियाँ वो आ रही है, सबके सब जा भी रहे हैं आ रही है। इसलिए साधारण लोग का कथा सुनो कितना अच्छी लगती है, अगर कोई राधा रानी की कोई अगर प्यारी सखी अगर ये कृष्ण कथा को सुनाए अब बताओ उसमें कितना मिठास उसमें कितना मधुर उस कथा में होगा। इसलिए कहते हैं सुखा मुखात अमृत, दूसरा बात कहते हैं उसका तीन चार अर्थ बताए, कहते भैया ये फल कहाँ पर था, बोले ये पेड़ का सबसे ऊंचाई शाखा पर ये फल था, लेकिन ये फल किसकी नजर में नहीं आया, अगर दूसरे दूसरे ऋषि मुनियों की नजर में आता तो वो भी खा लेते, लेकिन वो किसकी नजर में नहीं आया, बोले क्यों नहीं आया, ये सुख पक्षी की नजर में क्यों आया। दूसरा कारण कहते हैं देखो कि जो भागवत है कहते जाओ भागवत तो पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण चैतन्य भक्त तुम्हें नित्य कर संग तब तो बुझी वे तुम ये सिद्धांत तरंग, अगर सिद्धांत की रस तरंग में कोई डूबना चाहते हैं उनको कहाँ कथा सुननी चाहिए, बोले जाओ भागवत तो पढ़ो वैष्णव स्थाने वैष्णव के पास, सब वैष्णव हाँ सब वैष्णव है लेकिन एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु का धारा में जो भक्त लोग आए हैं अगर उनसे धारा में अगर ये कथा सुनोगे ना तब तो बुझ लो तुम्हें सिद्धांत तरंग, सिद्धांत का जो तरंग है हा? अगर उसमें डूबना चाहते हो महाप्रभु धारा में जो आए हुए जो भक्त है उनके अनुगत में पढ़ो पूर्ण भागवत रस को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए कहती है सुखदेव गोस्वामी की वो फल को देखे सबको नजर में क्यों नहीं पड़ा, बोले कारण है ये आए उन्होंने कि पहले श्री ये फल भगवान से मिला सबसे पहले ये फल पहले भगवान खाए उससे मिठास आ गया, वो फल ब्रह्मा जी को दिया तो ब्रह्मा जी खाए उनको भी अधरा मृत लग गया, फिर उन्हें नारद जी को दिया नारद जी का भी अधरा मृत लग गया,
नारद देव ने फिर व्यास देव को दिया, व्यास देव का भी अध्ययन चले। उसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी जो पाए उसमें विशेष विशेष अध्ययन चला। उसमें क्योंकि प्रिया सुख श्री राधा प्रिया सुख श्री वृषभ अनुजाया श्री राधा रानी के प्रिय सखी है, इसलिए वहां पर इतने भक्त लोग रहते हुए भी कथा इनसे सुने। और ये फल सबको नहीं दिखा है, फल किसको दिखा? सुखदेव गोस्वामी का। मतलब है जब तक कोई गुरु परंपरा नहीं आएगा तो भैया अवैष्णव मुखम सुतम हरि कथा मृतम श्रवण दैव कर्तव्य सर्पोचिष्ट जथा भय। अगर वैष्णव से कथा नहीं सुनकर किसी अवैष्णव से कथा सुनेंगे तो बात जैसे दूध में जैसे सांप मुंह मारने पर वो जहर हो जाता है, वो कथा नहीं वो जहर बन जाएगी। इसलिए वे सुख मुखा ये एक अर्थ है, हैं? इसलिए तीसरा अर्थ कहते हैं बोले सुख मुखा। तीसरा अर्थ कहते हैं जैसे हम लोग हरा नारियल जो दाग होता है ना, हरा नारियल उसको पीने का नियम है, उसको पीने का क्या नियम है? अगर बीच में फाड़ दोगे ना कांटे तो गिर जाएगा। उसको पीते हैं कैसे? ऊपर से छील देते हैं, फिर उसमें एक छोटी छेद रह देते हैं, अब उसमें जो पाई भी डाल देते हैं, और पाई भी डाल के जो घी होगा ना देखना एक बूंद भी पानी दूर कर दी जाए तो पानी सबके सब नहीं हो। इसलिए सुखा मुखा ये परिचयन है, ये सुखा मुखा मतलब है भैया ये जो भक्ति रस को जो भागवत रस को क्या करो, ये जैसे हमारे गुरु परंपरा ने पाठ की है सुखदेव गोस्वामी जिस तरीका से ये गुरु परंपरा तरीका से पिए, अगर उसी परंपरा के तरीका से पियोगे तो ये पूरा के पूरा एक बूंद भी इधर उधर नहीं जाएगी, बल्कि उसे ज्यादा मिलेगी, बल्कि उसके ज्यादा तुम्हें मिलेगी। इसलिए सुख मुखा मतलब जैसे जैसे सुखदेव गोस्वामी ने पान किया है बस उसी धारा में अभिषिक्त होकर के रस को हमें पान करनी चाहिए, तभी हमें पूर्ण रस मिलेगी। इसलिए सुख मुखा अमृत कहती है द्रव संयुतम है, कहती है पी बदल तो क्या करो उसको पियो। पहले पहले से बता दिया फल है, फल तो बड़ी पीते हैं, फल को खाते हैं बड़ी पीते हैं, लेकिन कभी एक तो फल है जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गोटी भी नहीं, जिसमें केवल रसी रस है। ठीक है कलम मंदिर